गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश उत्सव पर सिरसा शहर में निकाला गया नगर कीर्तन। सिख युवाओं ने खेला गतका, सिख युवाओं ने खेला गतका बना आकर्षण का केंद्र। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा शहर से देख रहे हैं कि गुरुपूर्व की पूर्व संध्या पर शहर में नगर कीर्तन है वो निकाला जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा से देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गतका है वो खेला जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे और पुरुष हैं वो मौजूद हैं। और जो गतके का कमाल है वो आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में आज नगर कीर्तन है वो निकाला जा रहा है। और ये जो विशेष झलकियां हैं वो आप पहरेदार भारत न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बहुत ही धूमधाम से नगर कीर्तन का जो आयोजन है वो किया गया है। और सफाई व्यवस्था को अगर देखा जाए तो पूरा जो शहर है वो शीशे की तरह आज चमक रहा है। और विशाल नगर कीर्तन का जो आयोजन है वो सिरसा के अंदर किया जा रहा है। सिरसा शहर के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें हैं आप वो देख सकते हैं कि पूरे सिरसा में खुशी की धूम है। पूरा सिरसा खुशी की धूम में झूम रहा है। और नगर कीर्तन का जो विशाल आयोजन है वो किया गया है। और बसिंदर सिंह वैदवाला जो कि चेयरमैन है श्री गुरु नानक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह वैदवाला, चेयरमैन गुरु नानक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट। आज गुरु नानक देव जी का 554वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में गुरुद्वारा चिल्ला साहब से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। कल गुरपुरब है और कल के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था इस धरती पर। जब देश के कई जात पात और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छूत छात ऐसे था, तो उस टाइम गुरु नानक देव जी प्रकट हुए और उन्होंने अब चाइना से लेके मक्का मदीना, रशिया से लेके श्रीलंका तक पैदल यात्रा करके और जहाँ जहाँ कोई समुंदर पार करने का उस तरह के साधन ले वाद विवाद सबको उपदेश दिया, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। गुरु नानक साहब तकरीबन जो है माड़े आदमियों को मिले हैं, कौडा राक्षस था, सज्जन ठग था, तो इस तरह सिद्धों के पास गए जो परमतों में छुप चुके थे, वहाँ उनसे हुआ, वो ग्रह छोड़ के और परमतों में छुप गए थे। तो गुरु नानक साहब ने कहा भी आप ग्रस्त को सबसे बड़ा धर्म है, होए अतीत, आप अतीत हो गए हो, गृहस्थी के मंगन जाई और गृहस्थी के घर आप मांगने जाते हो, तो आप किर्त करके परमात्मा का नाम जपो और वंड छको। यही संदेश जो है आज गुरु नानक सभी नाम लेवा, हिंदू सिख या चारों वर्ण जो भी हैं, उस गुरु नानक के आशे पर चलते हुए, अभी आपने कोविड में देखा लंगर वर्ल्ड के अंदर जो है गुरु नानक की प्रथा चलाई हुई 20 रुपये की। उस टाइम कहते हैं गुरु नानक साहब ने साधुओं को लंगर सिखाया था, वो 20 रुपये की FDI आज तक चल रही है, उसके ब्याज से चल रहा है सारे वर्ल्ड में। तो लंगर की प्रथा होगी, बीमारियों का इलाज हो गया, जैसे अब आपने देखा ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, कोई और भी आफत आती है तो उसी टाइम जो है खालसा एड है और जो सिख सोसाइटीज़ हैं फौरन वहाँ पहुँच जाती है, कोई बिना जात पात धर्म के वहाँ जाके सेवा करके उनके दुख के बटवाती हैं और अपने तन मन धन से सेवा करती हैं। तो आज सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को और सारी बाहर बैठी साध संगत को हमारी तरफ से, सारे सरसा शहर की तरफ से और सारे पत्रकार भाइयों की तरफ से लख लख बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।